सिवान में बढ़ती कड़ाके की ठंड को लेकर के सिवान के सदर विधायक जो आरजेडी से नाता रखते हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आज शहर के कई चौक चौराहों पर अलाव जलवाने का काम किया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपने निजी फंड से राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी के द्वारा शहर के कई चौक चौराहों पर अलाव जलाई गई, ताकि इस ठंड में जो लोग काफ़ी इस ठंड से ठिठुर रहे हैं, कपकपा रहे हैं, उनको कम से कम जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। तो बिल्कुल आप देख सकते तस्वीरों में कि कई जगहों पर, जो कि शहर का कई ऐसा इलाका है जहां पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी, वैसे जगहों को चिन्हित करके और विधायक अवध बिहारी चौधरी जा करके, चाहे वो ललित बस स्टैंड हो, गोपालगंज मोड़ हो, जेपी चौक हो, या फिर बबनिया मोड़ का कई ऐसा इलाका है जो चिन्हित करके, और ये वहाँ पर जा करके स्वयं वहाँ पर अलाव जलवा रहे हैं। तमाम इनके साथ इनके समर्थक भी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुबह में एक तरफ अवध बिहारी चौधरी के द्वारा ठंड से लोगों को बचाने के लिए कंबल का वितरण किया गया, तो दूसरी तरफ पूरे शहर में घूम घूम करके चौक चौराहों पर अलाव जलवा रहे हैं। इनसे हम बात भी लोगों को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो क्या विधायक फंड है या फिर निजी फंड से ही अपना काम कर रहे हैं? हम अपने द्वारा जी, कहीं कोई विधायक फंड या कोई सरकारी पैसा नहीं, मैं अपने द्वारा, हमारे साथी लोग हैं, ये ठंड से बचाने के लिए लकड़ी को खरीद करके भिन्न भिन्न शहर के जो चौक चौराहे हैं, जहाँ रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब दुकानदार लोग रहते हैं, तो उन लोगों को ठंडी से बचाने के लिए हम यह अलाव जलाने का काम, जलवाने का काम कर रहे हैं, स्वयं हम जला रहे हैं। और इस तरह के कार्यों में सभी लोगों को आगे आना चाहिए, बहुत पुनीत कार्य है, क्योंकि ठंड का समय है और दो तीन दिन से तो ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे में ये जो बेसहारा लोग है, यह अग्नि जो है उनको सहारा देने का काम करेगा। तो सर, शहर के कितने चौक चौराहों पर इस तरह से चिन्हित किया गया है जहां पे आप अलाव जलवाएंगे, और देखा जा रहा है कि स्वयं आप जा करके और खुद जलवा रहे हैं वहां पे अलाव? देखिए, ये आपका बस स्टैंड है, यहां पर हम लोगों ने जलाया। फिर यहां हम लोग, ये जो गोपालगंज मोड़ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू और दारोगा प्रसाद राय जी, स्वतंत्रता सेनानी, ये जो तीन महान लोगों का जो चौराहा है, जो गोपालगंज जाती है सड़क, यहाँ पर हम लोगों ने अंबेडकर साहब के मूर्ति के बगल में
हम लोगों ने अलाव जलाया है, आगे बढ़ करके हम जेपी चौक पर करेंगे, उसके बाद से हम दरबार के पास करेंगे, फिर हम चलेंगे अस्पताल जाने वाली सड़क पर करेंगे, बबुनिया रोड पर करेंगे, और बबुनिया रोड से आगे बढ़ करके जो हमारा वो क्या नाम है स्टेशन रोड विशुन ये सब जगहों पर, और चमड़ी मंडी का जो SKG मिल के तरफ जाने वाला जगह है वहाँ पर करेंगे, स्टेशन करेंगे, रामराज मोड़ करेंगे, और ये फिर यहाँ पर आपका जो शांति बट ब्रिज है वहाँ पर करेंगे, श्रीनगर में करेंगे। तो इस तरह के अन्य और भी जगह है, जितना जगह हम देख रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं और स्वयं रह करके हम आग अलाव जलाने का काम कर रहे हैं, और ये क्रम चालू रहेगा। फिर अपने जो गरीबों के बीच रात्रि में निकल कर हम लोग जो गरीब ठिठुर रहा है उसको कंबल भी हम लोग देने का काम करें। तो बिल्कुल आपने देखा कि राजद के विधायक हैं औद बिहारी चौधरी, उनके द्वारा अलाव जलवाने की व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि ठंड तो ज़्यादा है, 3-4 रोज से बहुत ज़्यादा है। सुबह में कंबल का भी वितरण किए विधायक जी, और शाम होती यानी कि दिन भर समाज सेवा में आप लोग लगे जी। जी जी, हम लोग हमारे जो नेता हैं वो मैंने बचपन से ही सामाजिक कार्य में
मैंने व्यस्त रहते हैं, और अभी तो विधायक हुए हैं तो और व्यस्तता बढ़ गई है, लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है, और आज देखिए रहे हैं अलाव जल रहा है, और आगे हम लोग कमल का भी वितरण करेंगे उसका भी। आज चौक चौराहों पर तमाम जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जी जी, आज हम लोग कर रहे हैं शहर के हर चौक चौराहे पर हम लोग आग अलाव जलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल आपने देखा कि विधायक जी से ही बात हुई, उनके समर्थकों से भी बात हुई, और विधायक और बिहारी चौधरी का भी कहना है कि हम लोग रात में निकलेंगे और जिन जिन लोगों को कंबल की आवश्यकता होगी, जो जरूरतमंद लोग होंगे, उन तक हम लोग कंबल भी वितरण करने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का किराए का सफर आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423।